हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने दो वीडियो अपलोड करी है, एक उस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एज वेल एज अगर बात करें तो हमारी यहाँ वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको दोनों की दोनों वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा, अच्छे पैसे कमाने का आपको मौका है। और एक IPO आ रहा है उससे रिलेटेड वीडियो है, और इस वीडियो में एक पर्टिकुलर वीडियो से शेयर से रिलेटेड वीडियो में के बारे में हम बातें करेंगे, उसके फंडामेंटल्स जानेंगे, देखेंगे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके और हम इसी तरीके की नॉलेज डेली वाइज यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं और आप उनका उसको देख के अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ, बट बिफोर दैट एक और वीडियो, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा अगर आप क्लिक करेंगे, और अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे आप दान कर सकते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पर इसके रिटर्न्स देखते हैं सबसे पहले, तो वन डे में देखिए नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे, वन वीक की बात करें तो पॉजिटिव है बट कुछ खास नहीं है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इस कंपनी ने आपको मल्टी बैगर अगर बात की जाए तो लगभग, अगर मैं बात करूं 1.5 साल के आसपास, तो 1.5 साल के आसपास इस कंपनी ने आपके पैसे को 10 गुना किया है। ओके, वन ईयर की बात करें तो देखिए 405% यहाँ बता रहा है, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाएगा ना आपके पैसे को और मल्टीपल किया है। कंपनी का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल का ही यहाँ पर रिकॉर्ड डेटा, बट 3 साल में भी कंपनी ने लगभग 450% के रिटर्न्स आपको दिए हैं, जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स है। और इस तरीके के रिटर्न्स मिलना मार्केट में बहुत कम ही कंपनी है जो इस तरीके के रिटर्न देती है, और रेयरली ही देती है, कभी मौका मिलता है ना तभी कंपनी इस तरीके के रिटर्न देती है। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% की यहाँ पर गिरावट है, शेयर की यहाँ पर आप देख सकते हैं 3590 रुपये पे क्लोज हुआ है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव व्यू है, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर ये कंपनी 4300 के आसपास आई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरते जा रही है, और अगर बात करें कितनी गिर चुकी है उस दिन से, तो लगभग 15-16% ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुकी है। अगर बात करें यहां पर 1 ईयर की तो देखिए पॉजिटिव ट्रेंड है, कभी 750 रुपए का शेयर हुआ करता था, अगर बात करें तो ये शेयर आज कहां पर पहुंचा है, यहां पर आप देख सकते हैं 5 ईयर्स का भी चार्ट पैटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने सेम ही आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ जाता हुआ। ये कंसोलिडेशन पीरियड था, उसके बाद शेयर ने यहां पर से जो 2000 पेंडेमिक के बाद यहां पर जो इसने भागा है, ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अगर बात करें इसका 52 वीक हाई एंड लो, तो 52 वीक लो की बात करें तो 3282 रुपये पे ये शेयर था, और 52 वीक हाई की बात करें तो 21,500 रुपये तक ये शेयर गया था लगभग, ओके 15 मार्च को, बट उसके बाद यहाँ पर शेयर का स्प्लिट होता हुआ नज़र आया है। ओके, और मैं ये इन्हें शेयर से रिलेटेड बातें पहले भी करी है और आपको बताया भी है कि कौन सा शेयर, और जो रेगुलरली मार्केट को वॉच करते होंगे तो वो समझ गए होंगे किस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ। अगर बात करें यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर लगभग 56% शेयर की, लगभग 2,07,000 शेयर यहाँ पर उठाते हुए हमें दिखे हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिवीज़न हुआ था अभी 18 तारीख को, ओके शेयर यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू 2 रुपये में चेंज हो गई थी। और बात करें यहाँ पर डिविडेंड की, कंपनी डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शेयर का कोई भी गिरवी है तो हाँ कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। तो किस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो किस शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, मैंने यहाँ पर 27 अगस्त को ये वीडियो बनाई थी 2020 में, और कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो आपको बताऊँ तो उस टाइम इसके की कीमत 8,590 रुपये थी। मैंने आपको बोला था कि शेयर में इन्वेस्ट करिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है, और उसके बाद जो इस शेयर ने रैली बनाई थी तो 21,500 रुपये तक गया था, तो आपके पैसे डबल से ज़्यादा हुए हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर अभी, तो अभी देखिए स्प्लिट के बाद ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 डेज का चार्ट पैटर्न अच्छा खासा यहाँ पर, अगर बात करें शेयर ऊपर यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ऊपर गया था, और फिर यहाँ पर स्प्लिट होने और बोनस से मिलने के बाद शेयर एक बार नीचे जरूर आता है, मैंने मोस्टली शेयर्स में यहाँ पर देखा है, तो इसलिए स्प्लिट के टाइम पे नहीं, या तो इसका बोनस का फायदा उन्हें होता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे थे या पहले ही इन्वेस्ट कर रहे थे, और ट्रेडर्स को वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, बट उसके बाद ट्रेडर्स निकालना शुरू कर देते हैं, शेयर गिर जाता है, ऊपर वाले अटक जाते हैं। ओके, और अच्छी कंपनी होगी तो ऑब्वियसली कमबैक करेगी, बट अच्छी कंपनी नहीं होगी तो फिर उसे टाइम ले सकती है वो, ओके, और नीचे भी जा सकते हैं, तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली करती क्या है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजी
एग्जैक्टली किस काम को करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में बेचती है ये कंपनी, किसके लिए काम करती है, आपको सब कुछ इस बिजनेस मॉडल आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बट रिसेंटली इसके फाइनेंशियल्स कैसे है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 21,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप कंपनी हमें नजर आ रही है। ROC की बात करें 33 का ROC चल रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ROC का मतलब आपको पता ही है, अगर इसी तरीके के रिटर्न ये पिछले आने वाले 20 साल और देती रहेगी तो आपके 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए में चेंज हो जाएगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके हमेशा चलना चाहिए। तो अगर बात करें कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, और सेल्स की बात करें तो कंपनी सेल्स कंटिन्यूसली अब बढ़ा रही है। और अगर मार्च 2018 की बात करें 534 करोड़ की सेल्स थी, और अगर हम बात करें यहाँ पर दिसंबर 2020 में लगभग 1900 करोड़ की सेल है जो कि कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी ही कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी सेल कंटिन्यूसली ईयर वाइज ईयर एज वेल एज क्वार्टरली हमारी सेल्स बढ़ती हुई नजर आए। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 14 करोड़ का प्रॉफिट, अभी कंपनी 57 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है लगभग 2 साल के 3 साल के अंदर। अगर बात करें ईयरली बेस पर तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 655 करोड़ की यहाँ पर सेल्स 10 साल पहले, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अभी की तो लगभग 4500-4600 करोड़ रुपए की सेल्स हमें नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, और 15 करोड़ का प्रॉफिट 138 करोड़ का प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है 10 साल के अंदर अंदर। तो अगर CAGR की भी बात करें तो 1 साल का 423, 3 साल की बात करें तो 75% के CAGR से कंपनी भाग रही है। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कंपनी ये होगी। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 71 करोड़ के रिजर्व्स, अभी 553 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, हाँ ऑब्वियसली कंपनी के पास बोरिंग है 101 करोड़ रुपए की बोरिंग है, बट हाँ कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। बट ऑब्वियसली बात है छोटा ही मोटा कर्ज है, कुछ ज़्यादा इसके आपको घबराने की जरूरत नहीं। कैश की बात करें तो कैश भी 52 करोड़ रुपीज़ का कैश है, कैश फ्लो अच्छा खासा है 238 करोड़ रुपए का जो कि लास्ट टाइम नेगेटिव था। एज वेल एज बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 35% के शेयर है। FIIs की बात करें तो FIIs के पास से लगभग 20% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है जो कि कंटिन्यूसली आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। DIS की बात करें, DIS के पास भी 15% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक में भी देखिए बड़े बड़े नाम आपको नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कंपनी पब्लिक के पास आपको मुश्किल से 10% की हिस्सेदारी मिलेगी, बाकी सारी हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों ने खरीद के ऑलरेडी रख रखी है। तो कंपनी अच्छे खासे बड़े बड़े हाथों में है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज़ डूइंग बिजनेस, अच्छी खासी कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और शायद ये शेयर गिर सकता है और या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पर 3500 से 3000 रुपए तक के बीच में यहाँ पर शेयर आ सकता है, झूम या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टर है, कोई अगर खरीदना चाहता है तो बाय ऑन डिप्स करके खरीद सकता है और अभी भी खरीद सकता है। बट इसका फ्यूचर की बात की जाए तो अच्छा खासा इसे कंपनी को प्रॉफिट होगा। PLI स्कीम जो गवर्नमेंट दे रही है, इसका फायदा कंप्लीटली इसे होगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है, तो सबसे बड़ा फायदा इसे कंपनी को होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसे मिले हुए ऑलरेडी, तो कंपनी इज डूइंग बिजनेस, कंपनी इज इन मार्केट। और बात करें कंपनी एग्जिस्ट कर रही है इस अगर बात करें इंडिया में, तो इसमें थोड़ा सा और गिर सकता है, तो इसे थोड़ा सा देख के चलिएगा। बाकी ये कंपनी आपको एक आध महीने में या कुछ दिनों में और अपनी रफ्तार पकड़ती हुई दोबारा दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर पिछले टाइम पे दिखाई दी थी, किस तरीके से यहाँ पर भागते हुए शेयर हमें नजर आए थे। तो यही कंपनी थी, लगभग डेट फ्री ही कंपनी कह सकते हैं। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल नॉलेजेबल वीडियो है। अगर कुछ और भी बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड, तो देखिए 11 घंटे पहले ही न्यूज़ आई है, डू इनसाइडर ओन्स लॉट्स ऑफ शेयर इन डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो इससे ये भी देख लीजिए, शायद कुछ इनसाइडर इनके है जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को, एज वेल एज यहाँ पर बात करें ICICI डायरेक्ट की, तो 4240 का यहाँ पर 4 दिन पहले यहाँ पर टारगेट यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी हमें नजर आ रही है। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल को लोगों तक भी फैलाइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।